नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सोलंकी वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की दूसरी सीरीज जनवरी माह की लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला गौ स्तंभ बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला गौ स्तंभ, ठीक है, गौ स्तंभ कहाँ पे बनाया जा रहा है? देवास, ठीक है, गो स्तंभ देवास में बनाया जाता है। इसका सही ऑप्शन है देवास। अच्छा, आगरमालवा, आगरमालवा की बात करें तो पहला एमपी या भारत का पहला गो अभ्यारण्य अभयारण्य, ठीक है, इधर लिख देते हैं गो अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं, इसका क्या है पहला गो अभ्यारण्य कहाँ पे है? आगरमालवा, ठीक है। दूसरा है गो चिकित्सालय, गो चिकित्सालय कहाँ पर है? ये खंडवा में। गो एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य, पहला वो शहर कौन सा है? पहला शहर है खरगोन, ठीक है। गो वंश संरक्षण अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस संबंधित ये किस जिले से संबंधित है? ये देवास से। अच्छा, इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया आदित्य दुबे को? एकलव्य पुरस्कार 2019 के लिए, ठीक है। जय मीणा ये सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ये पहली बात तो ये कहाँ से है, ये भी देवास से है, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? विक्रम पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार 2000। के लिए, ठीक है। इसमें देखते हैं देवास से संबंधित और कुछ तथ्य देखते हैं क्या है देवास में। देवास में यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट प्रिंट प्रेस कहाँ पे है? देवास में। स्थापना कब हुई? 1974 में, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन आया गो एम्बुलेंस, गो एम्बुलेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, ये क्या चीज़ गो एम्बुलेंस किसने किसने स्टार्ट करी है, ठीक है। गो एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस शब्द को अभी डिस्कस करेंगे। एम्बुलेंस क्या है? एम्बुलेंस, ठीक है, अगर पूछे जाए जानवरों के लिए गो एम्बुलेंस किसने स्टार्ट करी है, जानवरों के लिए तो ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर पूछा जाए कि बाइक एम्बुलेंस किसने स्टार्ट करी है, बाइक एम्बुलेंस ये हिमाचल प्रदेश। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्री एम्बुलेंस चालू करने वाला भारत का पहला राज्य, ट्री एम्बुलेंस मतलब पेड़ पौधों के लिए, ट्री एम्बुलेंस एम्बुलेंस किसने स्टार्ट करी है, ये नोट करो, हरियाणा, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में कहां पर? अमृतसर, ठीक है, और इससे संबंधित है, ठीक। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, देश की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटर कमेंटेटर चंद्रा नायडू का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से, ठीक है।
चंद्रा नायडू, इसको देखते हैं चंद्रा नायडू कौन है। चंद्रा नायडू है सी के नायडू की ये पुत्री है, ठीक है। अच्छा, इसने क्रिकेट में कॉमेंट्री कब करी थी, ठीक है, इसने करी थी 1977 में, ठीक है। किस जिले से संबंधित है, इंदौर। सी के नायडू भी इंदौर से, और कौन कौन से है, अगला लिखो, नमन, ओझा, एक और है राहुल द्रविड़, ठीक है, मुश्ताक अली, इसका संबंध किससे है, क्रिकेट से, ठीक है। और क्रिकेट से कौन, राजेश्वरी ढोलकिया, ठीक है, इनका संबंध है क्रिकेट से, ठीक है। चंद्रा नायडू कहाँ से है, इंदौर से, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध किस जिले से है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, क्यों इंपॉर्टेंट है इसको देखते हैं। किस खेल से संबंधित है, तो यह है शूटिंग से, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करा है, क्वालिफाई करा है। और इसको 2019 के लिए, 19 के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है, एक लव्य पुरस्कार, ठीक है। और देखते हैं ये कौन से जिले से है, खरगोन, ठीक है। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें ISS विश्व कप में कौन सा पदक जीता, किसने, ये अपने है ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने, कौन सा पदक जीता है, गोल्ड मेडल, ठीक है। चिंकी यादव का संबंध कहाँ से है, ये पहली बात तो इनके कोच का नाम याद रखना, जसपाल राणा। चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है, शूटिंग से, ठीक है, किस खेल से संबंधित है, शूटिंग से। अच्छा, कहाँ की है, भोपाल की। अगला देखो, खरगोन से रावर खेड़ी, यहाँ पर इसको नोट करना, यहाँ बाजीराव पेशवा की समाधि है, ठीक है। शूटिंग एकेडमी की स्थापना 2010 में हुई, कहाँ पर हुई, तो इसको नोट करना, ये भोपाल में हुई, ठीक है। अब देखो करिश्मा यादव, ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है, कहाँ की है, ये है ग्वालियर के, ठीक। अगला क्वेश्चन है मुस्कान किरार, ठीक है, मुस्कान किरार का संबंध किसे, ये आर्चरी के, आर्चरी तीरंदाजी, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तीरंदाजी, कहाँ से है, जबलपुर से, ठीक है, जबलपुर से है अद्वैत पागे, ये है तैराक, तैराकी संबंधित अद्वैत पागे कहाँ से है, इंदौर से। अच्छा, इनको तीनों को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, 2000
19 के लिए 2020 में दिया गया इनको पुरस्कार, ये तीनों को दिया गया है। विक्रम अवार्ड, ठीक है, 2019 के लिए कौन सा दिया गया है इनको, विक्रम अवार्ड। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश का पहला पशु प्रजनन और कृषक एवं गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में शुरू हुआ है। अच्छा, पहला पशु एवं प्रजनन केंद्र, पशु प्रजनन एवं कृषक एवं पशु है ना, गर्भाधान प्रशिक्षण, इसको देखते हैं किस योजना के तहत स्टार्ट हुआ। योजना देखो 28 जुलाई 2014 में कौन सी योजना आई थी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो देसी नस्ल के देसी नस्ल के पशु का संरक्षण करना और वैज्ञानिक और प्रजनन वैज्ञानिक प्रजनन को वैज्ञानिक तकनीकी से प्रोत्साहित करना, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत और कुछ है क्या, हाँ, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत क्या है, देखो इसमें गोकुल ग्राम की स्थापना करने का है, जो स्वदेशी पशु के जो क्षेत्र है, मतलब राज्य में जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर गोकुल ग्राम की स्थापना करना। तो गोकुल ग्राम की स्थापना किस मिशन के तहत हुई है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गोकुल ग्राम की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में हुई और वह पहला जिला है, तो यह कहाँ हुई, रतौना, यह कहाँ पर है, सागर, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सागर। महत्वपूर्ण तथ्य की देखते हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत सागर जिले को, ठीक है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया, सागर जिले के रतौना में शुरू किया गया। अच्छा, इसमें है केंद्रीय वीर संग्रहालय संस्थान, 1964-65 में स्थापना हुई, कहाँ पर है ये, भोपाल, ठीक। हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी, ठीक है, हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी कहाँ पर है, भोपाल। अगला है कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान, ये भी कहाँ है, भोपाल में। अच्छा, सागर से संबंधित कुछ देखते हैं, ठीक है, सागर में और क्या क्या है, मध्य प्रदेश की पहली विश्वविद्यालय कौन सी है, एमपी की फर्स्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, 1946 कौन सी थी, हरिसिंह गौर। अच्छा, इसको नोट करो, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको मिला है 2009 में, केंद्रीय विश्वविद्यालय।
ठीक, 2009 में। मध्य प्रदेश में कितनी केंद्रीय विश्वविद्यालय? मध्य प्रदेश में दो है, तो एक कौन सी? एक तो ये हो गई, ठीक। दूसरी कौन सी है? राष्ट्रीय, इसको लिखो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक, अमरकंटक अनूपपुर, ठीक, अमरकंटक अनूपपुर। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई? 2008 में, ठीक है। अगला देखते हैं, 28 जुलाई 2014 को स्वदेशी पशु पशु को संरक्षण एवं नस्लों के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करना, ये बता दिया। ये राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था, ठीक है, रतना सागर में। इनकी डिस्कस कर ली हमने, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन करने के लिए मध्य प्रदेश को कितने पुरस्कार दिए गए? ठीक है, उत्कृष्ट कार्य के लिए देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये पीएम आवास योजना, योजना की शुरुआत कब हुई? 25 जून 2015, ठीक है, 25 जून 2015। पीएम आवास योजना के तहत इसका टारगेट क्या है? सभी को घर उपलब्ध करवाने का इसका टारगेट है 2022 तक सभी को पक्का मकान, ठीक है, उपलब्ध करवाना। इसके तहत कितने पुरस्कार दिए गए हैं? चार। इसमें देखते हैं अगला। अच्छा, चार पुरस्कार दिए गए थे, किनको किनको मिले? इनमें दो इंपॉर्टेंट है, वो मैं दो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। नगर निगम को मिला है एक, नगर निगम, और एक नगर पालिका, नगर पालिका, ठीक है। नगर निगम में किसको मिला है? छिंदवाड़ा। और नगर पालिका में मिला है खुरई, कहाँ पर? ये सागर में। अच्छा, इससे संबंधित आप देखते हैं, नगर पालिका और नगर निगम की मध्य प्रदेश में पहली कौन सी है? फर्स्ट नगर निगम कौन सी है? ठीक है, मैं यहाँ से एरो बना देता हूँ। फर्स्ट नगर निगम थी जबलपुर 1964, ठीक है। फर्स्ट नगर पालिका दतिया, ठीक है, दतिया थी। इसका ऑप्शन है चार, ठीक है। आगे देखते हैं, 25 दिन 2015 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कब हुई? ये यहाँ पे लिख दिया गया था पहले ही, टाइपिस्ट विवेक सर ने, ठीक है, 2015। अगला देखते हैं, सेफ सिटी कार्यक्रम मध्य प्रदेश के कितने जिलों में किया जा रहा है? सेफ सिटी कार्यक्रम, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सेफ सिटी कार्यक्रम, ठीक है। सेफ सिटी में क्या होता है? जैसे महिलाएं और बच्चों को सार्वजनिक स्थानों पर जैसे हिंसा और छेड़छाड़ से मुक्त करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कितने कितने जिलों में चलाया जा रहा है इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है? जो सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक स्थान महिलाओं
और बच्चों को, ये क्या होता है, महिला और बच्चों को हिंसा, छेड़छाड़ मुफ्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कितने जिलों में हुआ है, कौन कौन से जिलों में हुआ है ये देखते हैं। इंदौर, भोपाल, ठीक है, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा और एक है छतरपुर। ठीक है, कितने में चला जा रहा है, टोटल 6 में। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखते हैं। छिंदवाड़ा ये अपन ने कर लिया, इसकी वार्षिक थीम देख लो 2021-22 के लिए, लड़की और महिलाओं के प्रति सम्मान पूर्वक नजरिया, ठीक है, एवं व्यवहार देना, छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण करना। ठीक है, अगला देखते हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के अंतर्गत प्रवासी श्रमिक एवं रोजगार सेतु पोर्टल को कौन सा अवार्ड दिया गया। ठीक है, प्रवासी सेतु, इसमें क्या होता है, यह अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपदा के समय समय नवाचार के लिए, नवाचार के लिए, ठीक है, आपदा के समय नवाचार के लिए दिया जाता है। कौन सा अवार्ड दिया गया है, ये सिल्वर अवार्ड। आगे देखते हैं, डिजिटल इंडिया की शुरुआत ये तो है 1 जुलाई 2015, ठीक है, कौन सा अवार्ड दिया गया है, सिल्वर अवार्ड। आज के लिए थैंक यू दोस्तों।